हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं घर पे एनीमे की ड्राइंग करने वाले हैं वॉल पे। तो उसके लिए हम जा रहे हैं अभी कलर लेने के लिए, और देखते हैं कि आज कैसा मतलब ड्राइंग क्या बनाऊंगा। अभी मुझे आइडिया नहीं, पर बाद में देखेंगे रेफरेंस लेके। तो बने रहे वीडियो में और देखिए, मज़ा आएगा। और ये रही हमारी धनो। चलो धनो, किक धनो को किक मारो। हो गई चालू, पहली बार में हो गई, क्या बात है। अच्छा, नसीब अच्छा है। चलो, और ये चले हम हमारे यूनिवर्सिटी के रोड पे। और ये एक आज से कभी एक्टिवा एक्टिवा ना चला, अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा चला रहा हूँ, पर कभी ऐसी चीज़ें ना करे तो कभी एक आज से ना चलाए, ध्यान रखना। और अभी हम चले कलर लेने की। और हमारे कलर केमल के कलर ले लिए हमने, तो और इसे इसके साथ ये ब्रशेस होते वो ले लिए। अभी ड्रॉ करना है, पर अभी थोड़ा भाई हमारा काम कर रहा है उस रूम के अंदर, तो अभी वहाँ नहीं करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ये जगह पूरी खाली, तो तब तक यहाँ ट्राई हो जाए। क्या क्या कहते हो, यहाँ पे भी जगह है उसे। और ये देखो, छू तू छू 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 टू छी सुने, देखो छो क्या बोलते उसको, सुने दो, परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्राई करते, चलो कुछ ड्रॉ करके कृष्णा बनाएंगे। यहाँ पे मेन रूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ें बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और उस रूम में मेरा एनिमे वाला बना दूंगा। यहाँ पे हम ये वाली ड्राइंग बनाने की सोच रहे हैं, ये थोड़ी फ्लेम वाली, तो देखेंगे। इतना मुझे अभी परफेक्शन नहीं है फिर भी। और देखो, अभी थोड़ी सी लेआउट बनाएंगे, तो इतनी सी यहाँ तक ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ में होगी। तो दो तीन वर्क करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कैसी है। तो अभी नॉर्मल मैंने यहाँ पे आउटलाइन बनाई, शायद दिख रही होगी मे बी। सो ये वाली ड्राइंग हम ट्राई कर रहे हैं, अगर बन जाए तो सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हमारा बेसिक स्केच हो गया है रेडी। देखने में वैसे लग तो रहा है ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, पर स्केच हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है कि जो हमने यहाँ पे बॉर्डर्स बनाई है उसको पहले ब्लैक करके फिर अंदर कलर करेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम पहले कलर करेंगे अंदर और फिर उसके बाद ऊपर बॉर्डर करेंगे। ये दोनों तरीके, अब मैं उसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ। अगर मैंने कलर कर दिया तो फिर मुझे लाइंस नहीं दिखेगी, और अगर मैंने लाइन पहले कर दी तो फिर कलरिंग करने में वैसे दिक्कत तो जितनी ज़्यादा तो नहीं आएगी फिर भी, पर थोड़ी डिटेलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर भी दिखते हैं। चलो, तो बने रहो वीडियो, मज़ा आएगा देखने में। अब हम थोड़ा टाइमलेस देख लो, अब कलरिंग का क्या है, क्या सीन है देखो। तो यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर वाली स्केच है वो हो चुकी है कंप्लीट, और लग रही है भाई डिसेंट लग रही है, मुझे अच्छी लगी। और ये बाकी तो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद कलरिंग चालू करते हैं, फिर देखते हैं कि अपनी फाइनल ड्राइंग कैसी लगेगी। पहली बात तो ये कि ये ऑरेंज कलर है ही नहीं, मतलब ये ऑरेंज कलर इन लोगों ने पता है केमल वाले ऑरेंज कलर क्यों नहीं बनाते। ये तो कौन सा है, ये कौन सा रेड कलर है, तो ये भी रेड कलर है, तो फिर मतलब क्या हुआ इन दोनों का, फ़र्क क्या है इसमें, ये क्या 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 डिफरेंस दिख रहा है, क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है या कुछ भी भाई बोलो। अब मैं रशियन ब्लू, तो इसका क्या है, वेमिलियन ह्यू। भाई ऐसा कलर मत दिया करो भाई, नॉर्मल जो कलर होते वो तो
इसमें हमारे पास ऑरेंज था ही नहीं, तो हमने ऑरेंज की जगह ये वाला कलर किया, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा फिर भी चलेगा, अब क्या कर सकते हैं।